नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में महिला का आरोप, शादी करके छोड़ गया पति। 29 वर्षीय महिला ज्योति रानी ने मीडिया को बताया कि जनपद मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रहती हैं, जबकि मेरा परिवार जनपद गाजियाबाद में रहता है। पीड़िता महिला का आरोप है कि पति हेमंत कुमार निवासी मिसर गढ़ी अंबेडकर कॉलोनी गाजियाबाद से मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज से कोर्ट में 27 सितंबर 2016 को उत्तराखंड जनपद देहरादून में हुई थी। उसके बाद 5 साल तक हम दोनों साथ रहे। पति हेमंत कुमार के परिवार वाले शादी से खुश नहीं थे। और आगे पीड़िता ने बताया कि 24 जून 2023 को पति हेमंत कुमार ने काम का बहाना करके अपने घर गाजियाबाद चले गए और 1 महीने बाद फोन आया, तब उल्टी सीधी बातें करके धड़कने लगे। लगभग 5 महीने से इधर उधर भटक रही हूँ। समय बीत जाने के बाद वन स्टॉप सेंटर में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रही हूँ। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, क्या पूरा मामला है बताइए। सर, मेरी शादी हुई थी 2018 में एक हेमंत नाम के लड़के इसके साथ देहरादून में। तो हम शादी करके पहले तो मुरादाबाद में ही रह रहे थे। लव मैरिज हुई थी। हाँ जी, कोर्ट में हुई है शादी, देहरादून की कोर्ट में। तो शादी करके पहले हम 1 साल मुरादाबाद में रहे हैं। मुरादाबाद में रहने के बाद फिर हम देहरादून लेके गया वो मुझे, तो वहाँ पे हम एक दो साल तक देहरादून है। 2019 में हम देहरादून चले गए थे, वहीं पे साथ ही में ही थे। लेकिन इनके पेरेंट्स जो है ना, वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे हमारी कास्ट को लेकर। आप किस कास्ट की हैं? सर, SC कास्ट के दलित। वो कौन से? वो सर प्रजापति समाज के हैं। हाँ जी, वो उनके पापा शुरू से ही यही कहते थे कि इस चमारी को हम अपने घर नहीं रखेंगे, ये वो करके सारा मैटर जो था कास्ट का था। अब क्या था कि हम अच्छे से रह रहे थे 2022 तक भी सब कुछ ठीक चला है। कितने साल हो गए सर? शादी को 6 साल हो गए हैं। 6 साल तक सही साथ रहे हैं। 2023 में ही आके थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जब भी इनके पापा फ़ोन करते थे ना, तभी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते थे कि मैं तो अपने घर चला जाऊंगा, तू देखती रहे कहाँ रहेगी। ये सब को लेकर प्रॉब्लम होती थी सर? इनके घर वालों को सिर्फ काश की प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब काश की प्रॉब्लम है कि हम इस काश की लड़की को अपने घर नहीं रखेंगे। आप बताते थे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, क्या? हाँ जी सर, दवाइयों का एक चीज की दवाई थी, एक टैबलेट आती थी किस्मी टैबलेट, उसको यूज करके। हाँ, ये तो मुझे नहीं पता है लेकिन है मेरे पास वो। किस नाम, क्या नाम है? किस्मी टैबलेट। हाँ जी, उसका यूज़ करके सेक्स किया जाता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। थोड़ी नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी प्रूफ भी मेरे पास हैं, काफ़ी सारे प्रूफ हैं। आपने इसकी शिकायत करी? नहीं सर, पहले क्योंकि जब ये घर से निकले थे ना, तो ये कह के निकले थे कि मैं काम पर जा रहा हूँ। तो आपने शिकायत करी? हाँ जी, मैंने अभी योगी जी के पोर्टल पर शिकायत करी थी। कितने दिन पहले? अभी 1 महीना हो गया है। क्या हुआ? तो सर, जब वो शिकायत की तो वहाँ बन स्टॉप सेंटर पे गई वो शिकायत मेरी। वहाँ जाके इन लोगों को फ़ोन किया गया, लेकिन इन लोगों ने मैडम को भी बोला कि हम नहीं आएंगे, तुम कुछ भी कर लो। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मेरे फ़ोन में है। हाँ जी सर, ये तीन लोग हैं, अतुल, विक्की और नितिन और हेमंत के पापा, जिनका नाम है सतवीर सिंह। ये तीनों ही हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, रहने नहीं दिया। इन्होंने ही बुलाया था फ़ोन करके कि तो आ जा, बाकी केस बेस हम देख लेंगे। तो लड़का जो है उनके ही कहने में, अपने पापा की, मम्मी पापा के कहने में, और वो अब चले गए हैं। और आप कहते हैं कि मेरे को नहीं रहना है साथ में, ये नहीं करना। हाँ जी मैं, हाँ जी सर, यही मेन बात है, बाकी और कुछ चाहती हैं सर? मैं यही चाहती हूँ कि मैं साथ रहना चाहती हूँ, बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आगे शेयर करें, बातचीत करें, बैठ के बात करें। ठीक है, मैं और कुछ नहीं।